हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता चैनल में कहो कैसे हुआ। आज हम अपने वीडियो में बनाएंगे खीर, वो भी लौकी से। लौकी खीर बनाना बहुत ही सिंपल है, सरल है, सबका अपना तरीका है खीर बनाने का। लेकिन हम लौकी खीर को बहुत ही कम समय में एकदम गाढ़े क्रीमी मलाईदार बनाकर तैयार करेंगे, वो भी बहुत ही कम दूध के साथ। जिसे आपने एक बार बना के खा लिया ना, तो आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने किचन में और दिखाते हैं लौकी खीर को हम बहुत ही कम समय में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एकदम फ्रेश ताज़ी लौकी। तो छोटे साइज़ की लौकी थी, लौकी को हमने अच्छे से छील लिया, साफ़ कर लिया, फिर बारीक कद्दूकस कर लिया। अगर आप लौकी फ्रेश लेंगे ना, तो लौकी में बीज नहीं होंगे। और लौकी को कद्दूकस करने के बाद लौकी को आपको पानी में डाल देना है। जब आपको खीर बनानी हो तभी आप लौकी को पानी से निकाल लीजिए, छान लीजिए। अब यहाँ पे हम लौकी को छान लेंगे, यानी लौकी का सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरीके से आप छन्नी में डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर या फिर हाथ से निचोड़ कर लौकी का सारा पानी निकाल लीजिए। गैस चला के हमने पैन रख दिया। अब पैन में हमने 1 चम्मच लगभग देसी घी डाल दिया। आपको देसी घी लेना है, घी सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच ही लेनी है। घी भी गर्म हो गई तो हमने लौकी को डाल दिया। अगर आप कप से नापेंगे ना, तो 1.5 बड़े कप हमने लौकी को कद्दूकस करके लिया है। अच्छे से मिला लेंगे। गैस को लो टू मीडियम कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे लौकी को हम भून कर सॉफ्ट कर लेंगे। लौकी को आपको तब तक भूनना है जब तक लौकी का सारा पानी अच्छे से सूख ना जाए और लौकी आपकी सॉफ्ट ना हो जाए, यानी अच्छे से पक ना जाए। अगर आप इस तरीके से खीर बनाएंगे ना, तो आपकी खीर बहुत ही टेस्टी जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच से भी कम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे लौकी को और भूनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं लौकी में पानी बिल्कुल नहीं है, लौकी कलर भी चेंज हो चुका है और लौकी हमारी एकदम सॉफ्ट हो गई है। इस तरीके से डो की तरह सिमटने लगी है। अगर इस तरीके से लौकी होने लगे ना, तो गैस को बंद कर देना है। इससे ज़्यादा हमें लौकी को नहीं भूनना है। इधर पहले से गैस पर हमने दूध को रख दिया था उबलने के लिए। दूध हमने 2.5 से 3 गिलास लिया है। दूध को हमने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से उबाल कर पका लिया है, यानी गाढ़ा कर लिया है। दूध जब उबल जाए ना, तभी आप लौकी को डालिएगा। और लौकी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम स्लो कर देते हैं और खीर को हम धीमे आंच पे पकने देंगे। लेकिन खीर को आपको बीच बीच में चलाते भी रहना है। खीर जब तक पक रही है तब तक हम प्रोसेस करते हैं। कटोरी में हमने ले लिया है 1/2 कप ठंडा दूध। अब आपको ठंडे दूध में 1 चम्मच वनीला का कस्टर्ड पाउडर डाल देना है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं है, बिना कस्टर्ड पाउडर के भी आप सेम इसी प्रोसेस से लौकी खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल दिया तो कस्टर्ड पाउडर की गांठें बन जाएगी, इसलिए कस्टर्ड पाउडर जब भी डालें ठंडा दूध में डालें। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं लम्स गांठें बिल्कुल नहीं हैं। अगर थोड़ी बहुत लम्स गांठें हैं तो उसे छन्नी से छान लीजिए। इधर हम खीर के ऊपर चला देंगे। अभी आप देख सकते हैं खीर हमारी अच्छे से नहीं पकी है, क्योंकि दूध अलग दिख रही है और लौकी जो है अलग दिख रही है। इसे हमें और गाढ़ा करना है और अच्छे से पकाना है। अब आपको डाल देना है चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो चीनी थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। कम मीठा खाते हैं तो चीनी आप कम डालिएगा। अब चीनी डालकर हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे और धीमी आंच पे हम एकदम गाढ़ी होने तक खीर को पकाएंगे। इस तरीके से आप धीमी आंच पे खीर को पकाएंगे तो आपकी खीर एकदम गाढ़ी क्रीमी डिलीशियस बनेगी। जब खीर आपकी पक जाए ना, तभी आपको चीनी डालनी है। अगर आपने चीनी पहले डाल दिया तो खीर जो है पकने में समय लेती है, इसलिए जब भी चीनी डालिए तो खीर अच्छे से बन जाए तभी आप चीनी डालिए। अब आपको यहाँ पर डाल देना है कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर घोल डालने से पहले आप उसे चला लीजिए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर घोल तली से चिपक जाती है, तली में बैठ जाती है। तो कस्टर्ड पाउडर घोल हमने चलाकर दूध में डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें पका लेना है। कस्टर्ड पाउडर का घोल आपको सबसे लास्ट में डालना है, जब खीर अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। पहले नहीं डालिएगा, जब अच्छे से पक जाए तब आपको कस्टर्ड पाउडर घोल डाल देना है। कस्टर्ड पाउडर घोल डालने पर आप देख सकते हैं खीर का कलर, लौकी खीर का कलर एकदम चेंज हो चुका है और आपको एकदम गाढ़ी दिख रही है, क्रीमी दिख रही है। अब आपको डाल देना है इलायची पाउडर। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया।
कुछ कटे हुए बादाम डाल देंगे और थोड़े से हम यहाँ पे पिस्ता डाल देंगे। आप अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, अगर नहीं ड्राई फ्रूट पसंद है तो ना डालें। अच्छे से मिला लेना। खीर हमारी बन चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। लेकिन खीर गर्म है, इसे हम ठंडा खाएंगे ना तो इसका टेस्ट और ही लाजवाब आएगा, टेस्टी आएगा, इसलिए खीर को हमें ठंडा कर लेना है। चलो कि खीर को हम ढक देंगे ठंडा होने के लिए। फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि खीर जो है बहुत ही गर्म है, इसे बाहर ही छोड़ दीजिए। लौकी खीर अच्छे से ठंडी हो गई है। खीर को हमने बीच में तीन से चार बार चला दिया था जिससे जल्दी से खीर ठंडी हो जाए। हम आपको पास से दिखा रहे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही गाढ़ी बनी है, एकदम क्रीमी बनी है, जबकि इसमें हमने मलाई का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ 2.5 से 3 गिलास में और 10 मिनट के अंदर हमने लौकी खीर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम खीर को निकाल लेंगे एक बाउल में, ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट्स को भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने बादाम और पिस्ता को डाल दिया है। अगर आपको इस तरीके से लौकी की खीर बनाने का तरीका आपको पसंद आया है, अच्छी लगी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।